शन्नो मित्रः शम्बरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः शांति 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 ही। सैद्धांतिक विषय में आज आत्मा का विषय ले रहा हूं। हम सब स्वाध्यायशील हैं और आत्मा के विभिन्न गुणों को हम लोग सुनते समझते रहे हैं। सिद्धांत का संबंध हमारे जीवन और व्यवहार के साथ में होता है। सिद्धांत केवल विचार के लिए नहीं, केवल वर्णन के लिए नहीं होता। सिद्धांत की उपयोगिता हमारे जीवन के साथ जुड़ करके होती। आत्मा के लक्षण प्राय आप सभी जानते हैं। जो सुख और दुख का अनुभव करता है, और ये हमको प्रत्यक्ष है, हम सुख और दुख का अनुभव करते हैं। जो इच्छा और द्वेष करता है, प्राप्त करने की इच्छा, सुख और सुख के साधन को पाने की इच्छा, और दुख के कारणों को हटाने की इच्छा, द्वेष, इसे प्रीति और अप्रीति शब्द से भी महर्षि ने कहा। प्रयत्न चेतन ही करता है, हम सब करते हैं प्रयत्न। और ज्ञान हम जानते हैं, दिन भर जानते रहते हैं। आत्मा करता भी है, कर्म को भी करता है, ये सब जानकारी हमारे को है। इसके आधार पर कुछ और चिंतन, कुछ और बातें समझने का प्रयास करते हैं। हम जब कर्म करते हैं, कोई भी कर्म, चाहे सेवा हो, चाहे अन्य दिनचर्या हो, कोई बुरे कर्म हो, वो कर्म शरीर से हो, वाणी से हो या मन से हो, कोई भी कर्म करते हैं, कर्म के तत्काल पहले आत्मा के इन गुणों में से कौन सा गुण रहता है? क्या कौन सा गुण हो तो हम कर्म करेंगे? ज्ञान, एक ने कहा इच्छा, और प्रयत्न भी रहता है, द्वेष भी रहता है, और सुख दुख भी रहता है। यानी किसी कर्म को करते हैं उसके पीछे सुख दुख का संबंध भी जुड़ा रहता है या नहीं? जुड़ी तो सब चीजें रहती हैं, इनमें से एक भी चीज नहीं हटाई जा सकती। हम कर्म कर रहे हैं, शारीरिक, वाचनिक या मानसिक, उसके पीछे इनमें से प्रत्येक चीज मिलेगी। इच्छा और द्वेष में से कोई एक मिलेगा, सुख या दुख में से कोई एक मिलेगा किसी एक कर्म के संदर्भ में, लेकिन दूसरे कर्म के संदर्भ में दूसरी चीज हो सकती है। लेकिन कर्मों के पीछे तो ये सब रहेंगे। मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूं कि कर्म करने से तत्काल पहले इनमें से कौन सा रहता है?
एक क्रम हम देखना चाह रहे हैं जिससे कुछ हमारी समझ बननी है। इच्छा और भिन्नता है। आपने सुख कहा, एक ने प्रयत्न भी कहा। अच्छा, ये विचार कीजिए कि प्रयत्न और इच्छा में से कौन सा पहले होगा? पहले प्रयत्न होगा फिर इच्छा होगी, या पहले इच्छा होगी फिर प्रयत्न होगा? इच्छा पहले होगी, एकदम स्पष्ट। आपने ये प्रयत्न कर्म से भिन्न चीज है, ये ध्यान रखना। कर्म का मतलब क्रिया, तो शरीर वाणी और मन से करते हैं। यहां जो प्रयत्न शब्द है, ये प्रयत्न कर्म या क्रिया नहीं है। वैशेषिक दर्शन में गुणों के समूह में प्रयत्न को लिखा है। प्रयत्न एक गुण है, कर्म नहीं है। जबकि लोक भाषा में हम प्रयत्न, पुरुषार्थ, कर्म एक ही मानते हैं, लोक में ऐसा चलता है। लेकिन जिस संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं, प्रयत्न एक गुण है आत्मा का। प्रयत्न आत्मा का एक गुण है जिसके कारण से मन प्रेरित होता है और फिर अन्य इंद्रियां, शरीर आदि में गति होती है। तो जो हम कर्म करते हैं उसके तत्काल पहले कौन सा गुण आत्मा का इनमें से होगा? होंगे सब, लेकिन तत्काल पहले कौन सा होगा? प्रयत्न। और प्रयत्न और इच्छा में जब बात आई तो इच्छा पहले और प्रयत्न बाद में। अब कर्म को अगर हम दो भागों में बांटें, एक तो प्राप्त करने का कर्म, ये मिले वो मिले, इसके पहले भी प्रयत्न होगा और उसके पीछे उस वस्तु की इच्छा होगी। हमारे अंदर इच्छा होगी, प्रयत्न होगा और हम उसको पाना चाहेंगे। लेकिन हमारे जितने कर्म होते हैं सब पाने के लिए तो नहीं होते। अभी सफाई की इतनी बात चल रही है, तो हम कुछ वहां से गंदगी हटाना भी तो चाह रहे हैं। हम स्नान करते हैं, गंदगी हटाते हैं, मलमूत्र का त्याग करते हैं, दुर्गुण हटाते हैं, कांटा चुभ गया तो कांटा निकालते हैं, कपड़े धोते हैं, बहुत सी चीजें हटाना भी तो चाहते हैं। वो भी तो कर्म है। उस कर्म के पहले भी आत्मा का प्रयत्न गुण तो रहेगा, लेकिन उस प्रयत्न के पहले कौन सा गुण रहेगा? सामान्यतया हम कह देते हैं इच्छा, हटाने की इच्छा। ये हटाने की इच्छा है द्वेष, अप्रीति। यहां जो इच्छा शब्द है, महर्षि इसको बोलते हैं प्रीति। इच्छा का मतलब पाने की इच्छा। हम सामान्य भाषा में इच्छा का मतलब पाने की इच्छा और छोड़ने की इच्छा, वो इच्छा को एक ही मानते हैं। होती ये दो हैं, लेकिन यहां उसके लिए शब्द क्या है? इच्छा मतलब पाने की इच्छा और द्वेष मतलब छोड़ने की इच्छा, उसको हटाना है। तो जिस कर्म में हम कुछ हटाना चाहते हैं उसके लिए जो प्रयत्न होगा और उसके पीछे कौन सा गुण होगा आत्मा का? द्वेष गुण। हम उसको नहीं चाहते, वो हटे। यहां तक बात है। अच्छा, जो ये इच्छा और द्वेष है, प्रीति और अप्रीति है, ये ऐसे ही पैदा हो जाती है या इनके पीछे भी कोई कारण है? प्रीति या अप्रीति? कर्म तब हुआ जब प्रयत्न था, प्रयत्न तब हुआ जब उससे पहले या तो इच्छा यानी प्रीति थी या तो अप्रीति थी, इच्छा या द्वेष थे। उसके बिना प्रयत्न नहीं हो सकता। अच्छा, ये जो इच्छा और द्वेष है, ये भी अपने आप हो जाते हैं या इसके पीछे भी कुछ होना चाहिए? इसके पीछे भी कुछ होना चाहिए। हम किसकी इच्छा करते हैं, किसको पाना चाहते हैं? सुख, सुख के साधन को पाना चाहते हैं।
तो जब इच्छा होगी तो उसके पहले सुख या सुख के साधन का ज्ञान भी होगा। और यदि हम द्वेष कर रहे हैं, हटाना चाह रहे हैं, आतंककारियों को हटाना चाह रहे हैं, तो उसके पीछे दुख या दुख के कारण का ज्ञान भी हमारे अंदर रहेगा। और सुख और दुख कैसे होते हैं? सुख और दुख ऐसे ही उत्पन्न हो जाते हैं या वो भी कुछ होते हैं? कब सुख होता है, कब दुख होता है, उसका भी कोई कारण होगा। उसका कारण क्या? सुख का कारण क्या? अनुकूलता है। वो अनुकूलता क्या? एक अनुभूति है। वो कैसे पता लगा हमारे को ये अनुकूल है? हमें कैसे पता लगा अनुकूल है? हम कुछ खाते हैं, पीते हैं, लेटते हैं, किसी से बात करते हैं, कुर्सियां ठीक लगी हुई हैं, दुर्गंध नहीं है, साफ सुथरा है, जो जो भी चीजें हैं। अर्थात सुख और दुख की अनुभूति का संबंध हमारी ज्ञानेंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ है। कुछ ज्ञान या कुछ सूचनाएं, कुछ अनुभूतियां अंदर जा रही हैं और उनमें हम अनुकूल प्रतिकूल अनुभव कर रहे हैं। अनुकूल अनुभव कर रहे हैं ये सुख है और प्रतिकूल अनुभव कर रहे हैं वो दुख है। तो ये क्रम एक आपके सामने आ गया। क्या इसको बदल भी सकते हैं? अभी क्रम यह है कि कर्म बिना प्रयत्न के कर्म नहीं होगा, बिना इच्छा और द्वेष के प्रयत्न नहीं होगा, और बिना सुख दुख और उसके ज्ञान के इच्छा और द्वेष भी नहीं होगा। क्या हम किसी ऐसी चीज की इच्छा कर सकते हैं जिसके बारे में हमें ना तो अनुभव है, ना सुना है, ना जाना है? उसकी कभी हम इच्छा कर सकते हैं? कभी नहीं होगी। कोई अपवाद हो सकता है इसका? नहीं होगा। और जिसको हम हटाना चाहते हैं, जिससे बचना चाहते हैं, उसकी हमें जानकारी नहीं हो और हम उसे हटाना चाहते हैं, ऐसा होगा? कुछ ना कुछ तो जानकारी है, ये आवश्यक है। इस क्रम के बाद में अब एक चरण और चाहते हैं। आत्मा के स्वभाव को जानना है। आप स्वयं जानते हैं, समझते हैं, केवल मैं उभार रहा हूं उस बात को, तो विचार केंद्रित कर। क्या कभी ऐसा होता है कि जिसमें हमें सुख मिलने की संभावना हो उसको हम ना चाहें, उसको हटाना चाहें? जिस जिसमें सुख सुख की संभावना हमें प्रतीत होती है उसको हम सदा पाना चाहते हैं या नहीं? जिसको सुख को पाना चाहते हैं उसको कभी हटाना चाहते हैं, ऐसा कभी होता है क्या? विचारिए, ऐसे ही मत उत्तर दे दीजिए। और इसी तरह से जिसमें दुख हो रहा है, जिससे दुख मिलने की संभावना है, क्या उसको हम कभी पाना चाहते हैं? कभी नहीं पाना चाहते। कोई अपवाद? कोई अपवाद? भविष्य में सुख मिलेगा, अभी कष्ट सह रहे, तो यानी हम कष्ट को चाह रहे हैं, जबकि कष्ट को हम चाह नहीं रहे हैं। सामान्य नियम यह है कि आत्मा कभी भी कष्ट दुख को नहीं चाहता, उसके लिए प्रवृत्त नहीं होता। लेकिन एक अपवाद इन्होंने क्या बता दिया कि हम ऐसे कष्ट को सहन करते हैं जिससे भविष्य में सुख मिलने वाला होता है। अब कोई सड़क पे काम कर रहा है, कोई दुकान पे काम कर रहा है, और कर रहा है, कष्ट तो होता ही ना, भागदौड़ होती है, श्रम होता है, व्यायाम करते हैं उसमें भी तो थोड़ा कष्ट होता है, तपस्या करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, दिनचर्या में चलते हैं, ये सब कष्ट क्यों सहते हैं? परोपकार के लिए मारे मारे फिरते हैं। आप लोग यहाँ आए हैं, क्यों आए हैं? सुख मिल रहा है, कष्ट मिल रहा है आपको? सुख के लिए आए, कष्ट के लिए आए? भविष्य के सुख के लिए। और बहुत सारे कष्ट आपने दे भी दिए, ये करो, वो करो, वो करो, और वो व्रत पत्र भी भरवाने वाले हैं, वो भी कष्ट लग रहा होगा, आफत की क्या भरे उसमें।
नहीं भरा तो दूसरे क्या कहेंगे, कष्ट लगता है। लेकिन भविष्य के सुख के लिए हम कष्ट को सहन करते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के हम उसमें लाभ देख रहे हैं, कुल मिलाकर के हम उसमें लाभ देख रहे हैं, सुख देख रहे हैं। इसलिए तो सुख, बड़े सुख के लिए हम छोटे कष्ट को सहन करते हैं। ये ध्यान रखना कि बड़ा कष्ट सह करके छोटा सुख मिलने वाला हो तो हम नहीं जाएंगे। तो कुल मिलाकर के कष्ट भी सहन कर रहे हैं तो सुख अधिक मिल रहा है, इसलिए हम उस तरफ जा रहे हैं। अब क्या कोई ऐसा अपवाद है कि जिसमें हमें कष्ट अधिक हो रहा हो, वर्तमान में भी और भविष्य में भी कष्ट होने वाला हो, फिर भी हम उसको कर रहे हैं? ऐसा हो सकता है? अच्छा, आप कुछ कह रहे थे पहले, हो गया रतन जी भाई, बैठिए। परोपकार में दूसरे के कष्ट के लिए, दूसरे के सुख के लिए हम कष्ट सहन कर, अभी भी कष्ट सहन कर रहे हैं और भविष्य में हमारे को कोई सुख नहीं मिलने वाला है, ऐसा ही मतलब हुआ ना आपका? आया ना? विवेचना पूर्वक चलेंगे, समझनी है कुछ बात में आपका। मैंने प्रश्न ये पूछा था, क्या कोई ऐसा कर्म है जिससे हमें अभी कष्ट हो रहा हो, भविष्य में भी कष्ट ही होने वाला हो, कोई सुख नहीं मिलने वाला हो, फिर भी हम उसको कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हम परोपकार करते हैं, इससे अभी कष्ट हो रहा है और भविष्य में हमें कोई सुख नहीं मिलने वाला है, फिर भी हम उसको कर रहे हैं। अब फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या सहमत हैं आप अपने वाक्य से? लंबे काल में ये उदाहरण वो नहीं बना, इस जन्म में या अगले जन्म कभी भी हो, आपके दिमाग में पुण्य है, भविष्य में सुख मिलेगा, ये है। और मैं फिर से प्रश्न रखता हूं, क्या कोई ऐसा कर्म है, कोई भी उदाहरण आप जो आए मन में देखिए और अवश्य रखिए, कि जिसमें अभी और भविष्य में कुल मिला करके दुख अधिक मिल रहा हो और उसे हम करते हैं, कोई उदाहरण। जीवन का बड़ा अनुभव आप सबके साथ में है कि जितने जितने वर्ष आपने जिया है अपने जीवन को जागरूकता से, कोई उदाहरण ऐसा है बताइए? झूठ बोलते हैं बैठिए। उदाहरण कौन सा ढूंढ रहे हैं हम, कि वर्तमान में भी जिसमें कष्ट हो और भविष्य में भी कोई सुख नहीं मिलने वाला हो, कष्ट ही मिलने वाला हो, ऐसा कोई कर्म हम करते हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि हम झूठ बोलते हैं, हमें पता है कि झूठ बोलना गलत है और भविष्य में भी कष्ट मिलने वाला है, उससे कौन देगा कष्ट? परमात्मा देगा। तो कष्ट के लिए हम झूठ बोलते हैं क्या? अब सोचिए किसी भी झूठ बोलने की स्थिति में हमारे से दोष हो गया, अब दूसरों को पता ना लग जाए इसलिए हम झूठ बोल देते हैं, क्योंकि पता लगा तो अपयश होगा, डांट पड़ेगी, दंड मिलेगा, ये कष्ट है। जब जब भी हम झूठ बोलते हैं, लाभ के लिए बोलते हैं, हानि के लिए कोई झूठ बोलता है क्या? हानि के लिए कोई झूठ बोलता है क्या दुनिया में? एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा। वो लाभ समझ रहा है, लाभ है या नहीं है वो एक अलग विषय है, उसे झूठ बोलने में लाभ दिखाई दे रहा है इसलिए झूठ बोलता है। वो तो ठीक है, जिसमें हमें लाभ या सुख दिखाई दे रहा है वो हम कर रहे हैं। प्रश्न में ये पूछ रहा हूं कि क्या कोई ऐसा कर्म हम करते हैं जिसमें हमें कष्ट ही दिखाई दे रहा हो, कष्ट ही दिखाई दे रहा हो और फिर भी हम कर रहे हैं? ये हम आत्मा के स्वभाव को जान रहे हैं इस सिद्धांत के अनुसार। हाँ, कौन हाथ खड़ा कर रहे थे पीछे से? बदन छी भाई, आत्मा का आनंद करना, जैसे उसका कोई उदाहरण दे दीजिए।
मैं आप सबको बहुत स्पष्टता से बताऊं। जैसे अपनी परिस्थितियों से दुख हो रहा है और उससे निपटने के लिए आत्महत्या कर लेता है। बैठिए, परिस्थितियां खराब हैं, विपरीत हैं, कष्ट हो रहा है और अपने आप को मारना बहुत कष्टप्रद है, सामान्य व्यक्ति तो कर ही नहीं सकता, और वो फिर भी अपने को कष्ट दे रहा है, यानी मृत्यु में जा रहा है, छत पर से कूद रहा है, पानी में कूद रहा है, या जहर खा रहा है, परेशान होगा, तड़पेगा, फांसी लगा रहा है, कितना कष्ट सहन कर रहा है। तो जितने आत्महत्या करने वाले हैं वो आत्महत्या के कष्ट को सहन करने के लिए ये करते हैं या किसी और के लिए करते हैं? Yeah.